ईरान की ओर से मिसाइल हमले के बाद सबके मन में यही सवाल है कि इसराइल क्या करेगा, वो किस तरह ईरान को हमले का जवाब देगा, कब जवाब देगा। इसराइली सेना के अधिकारियों ने इसके संकेत दे दिए हैं। साफ है कि इसराइल अब ईरान को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिवेंज प्लान भी तैयार कर लिया है, ईरान की द्वीप पर वॉर करने की तैयारी है। उसके सामरिक स्थलों को निशाना बनाया जाएगा, जिस तेल के दम पर उसकी पूरी इकोनॉमी चलती है उसे तबाह करने का प्लान तैयार है। इससे ईरान दाने दाने को मोहताज हो जाना है। इसराइली अधिकारियों ने जो कहा है वो हम आपको बताते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं, जैसे ही सरकार की ओर से आदेश मिलेगा तुरंत हम अटैक कर देंगे। सबसे पहले ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाया जाना है, तेल कुओं ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया जाएगा, एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर देंगे, जहां से उनकी आर्मी को हथियार मिलते हैं उन्हें भी मिसाइलों से उड़ा दिया जाएगा, कुछ बड़े नेताओं को भी निशाना बनाया जाएगा। ईरान कई साल से न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा है, इसराइल उससे भी तबाह करने का प्लान तैयार कर रहा है, पहले भी उसके कई साइंटिस्ट को वो मार चुका है। इसराइली अधिकारियों ने कहा है कि अगर हमें सरकार की ओर से आदेश मिले तो उनके परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करेंगे। इस तरह का अटैक होगा जिसकी कल्पना ईरान ने कभी नहीं की होगी। फाइटर जेट्स ईरान के अंदर घुसकर बमों की बारिश करेंगे। अप्रैल में जब इसराइल ने ईरान पर मिसाइलों और ड्रोन अटैक किया था तब इसराइल ने बड़ी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन इसराइली अधिकारियों का दावा है कि इस बार का हमला काफ़ी भयानक होगा। ईरान से आई ज़्यादातर मिसाइलों को इसराइल की एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिरा दिया। कुछ मिसाइलें इसराइल के एयरबेस मोसाद हेडक्वार्टर और तेल अवीव के उत्तर में स्थित मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस के पास खुले इलाकों में आकर गिरी। एक इसराइली रक्षा अधिकारी ने एक्सियोस को बताया कि दर्जन भर मिसाइलें मोसाद मुख्यालय पर आकर गिरी, लेकिन कोई भी हेडक्वार्टर के अंदर नहीं गिरी। इसराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुली छूट दे दी है, वे चाहे तो किसी भी तरह का जवाब दे सकते हैं। हमले के बाद नेतन्याहू ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया, कहा ईरान ने आज रात बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वे जल्द समझ जाएंगे कि हमसे टकराने का अंजाम होता क्या है, उन्हें पता है हम हर हमले का जवाब जरूर देते हैं। वक्त बेहद करीब है। सूत्रों का कहना है कि इसराइल के पीएम नेतन्याहू आज अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बात करेंगे। इसराइल के जवाबी कार्रवाई पर नेतन्याहू अमेरिका से बात करेंगे और अपना प्लान बताएंगे। यहां बताना जरूरी है कि ईरान ने भी इसराइल पर हमला करने से पहले रूस को बताया था।